पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। रेलवे का आरक्षण करवाना हो और गांव में रहता हो तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था, 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए। आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली फोन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है और गांव वालों को भी पता है कि हाँ ये व्यवस्था है। इसमें भी किराए, भाड़े, आना जाना, दिन लगाना, सभी खर्चों में कटौती आई है। 1.25 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, ग्रामीण स्टोर, अब ई कॉमर्स को भी ग्रामीण भारत तक ले जा रहे हैं।